हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ ब्रेड डिस्क। अक्सर देखा जाता है जब हम पैन पे कोई चीज़ की रेसिपी बनाते हैं, या तो चीज़ मेल्ट नहीं होती या उसका बेस जल जाता है। मैं आपको एक ऐसा टिप दूंगी जिससे चीज़ भी अच्छी मेल्ट हो जाएगी और बेस भी नहीं जलेगा। डिस्क बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। चीज़ ब्रेड डिस्क बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड स्लाइसेस, चीज़ स्लाइसेस, ग्रेट की हुई चीज़, मैंने मोज़रेला ली है, आप क्यूब भी ले सकते हैं, बटर, स्वीट कॉर्न्स जिसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के पानी में बॉईल कर लिया है, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स और ये है पिज़्ज़ा सॉस। आप ये किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक बोल में हम 2 चम्मच बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न लेंगे और 4 चम्मच हम ग्रेट की हुई चीज़ लेंगे। ये मोज़रेला चीज़ है, आप क्यूब ले सकते हैं, उसे ग्रेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ओरिगैनो और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। नमक डालने की नीड नहीं है क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है और कॉर्न में भी हमने नमक डाल दिया है। स्टफिंग हमारी रेडी है, अब हम ब्रेड स्लाइसेस को भी कट कर लेते हैं। उसके लिए हम जो ब्रेड लिए हैं हमने इसके कॉर्नर्स हम एक सीजर्स की हेल्प से काट लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन मुझे कट करके बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके कॉर्नर्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम 2 ब्रेड स्लाइसेस के बीच में से इस तरह से कटोरी या ग्लास लेके कट कर देंगे और जो इसका सर्कल शेप्स का ये जो पार्ट निकला है वो हम इसमें से हटा देंगे। हमें 2 ब्रेड स्लाइसेस काटने हैं और 2 को ऐसे ही रखना है। अब एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बटर और जो हमने कट किए हुए ब्रेड स्लाइसेस थे वो हम इसमें पहले सेक लेंगे। हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे सेकना है। ये अब सिक गए हैं, इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल देंगे और एक जो दूसरा स्लाइस था जिसे हमने कट नहीं किया था उसे भी हम बटर लगा के अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ हम अच्छे से सेकेंगे, एक तरफ हम बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे। ब्रेड को सेकते टाइम हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं करनी, ताकि ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और जो हमने स्लाइस सेकी थी ब्रेड की इसके ऊपर हम लगाएंगे पास्ता सॉस। अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम एक चीज़ स्लाइस रखेंगे और जो कट की हुई ब्रेड हमने सेकी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर ये स्टफिंग। ऊपर से हम इस तरीके से फिल करेंगे इसको और ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ डाल के अच्छे से हम इसे चीज़ी पीज़ी बना देंगे। ऊपर से डालेंगे हम इसमें थोड़े चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें ओरिगैनो। अब फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे गैस ऑन करके और इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। याद रखिएगा फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है। अब ब्रेड सिकने वाली है और चीज़ मेल्ट नहीं हुई है तो हम पानी का हल्का सा छींटा मारेंगे पैन में जिससे कि स्टीम उठेगी और पैन का जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगा। और 1 मिनट बाद देखिए ब्रेड भी अच्छे से सिक गई और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए कितनी टेस्टी और चीज़ी लग रही है ब्रेड हमारी। अब जो हमारे सर्कल्स बचे थे उसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये भी बहुत अच्छे पार्टी स्टार्टर्स बन जाते हैं बच्चों के लिए, कोई बर्थडे पार्टी हो अगर या कोई बच्चे घर पे आ रहे हो उनके लिए। उसके ऊपर हम थोड़ा सा पास्ता सॉस लगाएंगे उसी तरीके से और जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो हम इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ी सी ऊपर से चीज़ डाल के हल्का सा पानी डाल के हम इसको ढक देंगे ताकि स्टीम उठे और चीज़ सारी मेल्ट हो जाए और ब्रेड भी नीचे से जले भी ना और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। ये देखिए हमारे राउंडर्स भी रेडी हैं। चीज़ ब्रेड डिस्क हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। देखिए ये नीचे से बिल्कुल नहीं जले और चीज़ भी इसकी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका चीज़ पुल भी कितना अच्छा आया है। इसे घर में बनाने के लिए एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट वीडियो में।